नाती बांधली जातात धाग्याने, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग सारीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। अरमौरी तहसील के रामपुर में बीते अप्रैल और मई माह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण मक्का और धान फसलों का व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए नुकसान के पंचनामों में कम किसान और कम नुकसान दिखाया गया, जिससे अनेक किसानों का नुकसान हुआ, जिससे अन्यायग्रस्त किसानों को न्याय देकर नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पर दस्तक देकर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा। मांग को गंभीरता से न लेने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने चेतावनी ज्ञापन में दी गई। अरमौरी तहसील के रामपुर और अन्य गांवों में बीते अप्रैल और मई माह के कालावधि में तूफानी हवाओं के साथ हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण मक्का और धान फसलों का नुकसान हुआ, जिससे प्रशासन द्वारा नुकसान के पंचनामे किए गए, लेकिन इसमें रामपुर चक क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र गांव नमूना 11 के अनुसार मक्का 20 हेक्टेयर, धान 150 हेक्टेयर धूपकालीन क्षेत्र दिखाया, लेकिन इसमें 20 किसानों के नाम सूची में आने से अनेक किसानों पर अन्याय हुआ। इसमें 170 हेक्टेयर बुआई के नीचे का क्षेत्र होने से इसमें से 56 हेक्टेयर तक नुकसान होने से छूटे नाम नए से समाविष्ट कर अन्यायग्रस्त किसानों को न्याय दे, अन्यथा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने की चेतावनी भी दी है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। उद्धव ठाकरे शिवसेना गठ के नेता सूक्ष्मा अंधारे ने मुंबई के सेना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शिंदे गुट के उपनेता और पूर्व पार्षद शीतल माथुरे और उनके पति पर जालसाजी कर पारिवारिक संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। उसी तरह उन्होंने तत्कालीन नगर विकास मंत्री और आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी इस प्रकरण में शक की भूमिका में होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित माथुरे परिवार के लोग सुषमा अंधारे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात बताई किस तरह शीतल माथुरे अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसे काम करते रहती है। उन्होंने बताया कि हमारे नकली हस्ताक्षर करके ये कागज़ बनाए गए हैं। उसी तरह सन 1999 में संपत्ति के मालक माथुरे की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बावजूद 2015 में उनके स्टैम्प के साथ पत्र दाखिल किए गए, जिसे उच्च अधिकारियों ने किसी उच्च नेता के दबाव की वजह से बिना जाँच किए पारित कर दिया। उन्होंने इस मामले में विस्तृत जाँच की और घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों और नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा देने की बात कही। मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी आता तुम्ही दिलायवा मुख्यमंत्री सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी किमान हे काम केलं तर खूप होईल, म्हणजे आमच्यासाठी नाही बाबा, आम्ही सांगतोय म्हणून नाही, परंतु तुमच्याकडे असणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाची मागणी आहे म्हणून तरी त्यांनी ते लक्ष द्यावं, आणि सर्वसामान्यांचं सरकार आहे हे जरा लोकांना खरं वाटेल पटेल अशा पद्धतीने आपण न्याय द्याल। या कांचास फास्ट फूड, मोस्ट फेमस एंड बेस्ट चाइनीज फास्ट फूड सेंटर ऑफ चंद्रपुर। Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, hakka noodles, Shezwan noodles, cocktail rice, paneer rice, Shezwan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अमेजन के दफ्तर में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेजन भारत में ऑनलाइन पाकिस्तान का झंडा उपलब्ध कराता है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। घटित वाकये से कुछ समय के लिए तनाव बना रहा। गणेश पेठ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के शहर अध्यक्ष चंदू लाडे के नेतृत्व में पार्टी के करीब 25 से 30 लोग बैद्यनाथ चौक के पास अमेजन कंपनी के दफ्तर के सामने जमा हुए। पाकिस्तान का झंडा भारत में बिक्री क्यों करते हो, इस बारे में कंपनी के अधिकारियों से सवाल जवाब तलब किया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी अमेजन के दफ्तर में जबरन घुस गए और जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की। इस बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। प्रकरण की गंभीरता से गणेश पेट और इमामवाड़ा थाने की पुलिस अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंची। उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों के नारे निर्देशन जारी ही थे। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले किसी ग्राहक ने अमेजन से कई वस्तु खरीदी की थी। वस्तु के साथ उसे पाकिस्तान का झंडा भेजा गया। पड़ताल करने पर विविध वस्तुओं की तरह पाकिस्तानी झंडे की भी बिक्री होने के बारे में पता चला। इस पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कंपनी घातक सामग्री भी उपलब्ध करा सकती है। गठित प्रकरण देश विरोधी होने से कंपनी प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस बीच प्रदर्शनकारी चंदू लाडे, विशाल भटके, दुर्गेश सावलकर आदि 25 से 30 महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। आज या अमेझॉन इंडियावर हे लोक पोर्टलच्या माध्यमातून पाकिस्तानचे झेंडे विकत आहेत, आणि म्हणजे भारत देशात पाकिस्तानचे झेंडे विकण्याचा यांना अधिकार दिला का? कोणत्याही बाकीच्या याच्यावर झेंडे विकण्यात येत नाही, आणि फक्त अमेझॉनवर कशी काय समोरच्या दृष्टिकोनातून देशामध्ये काहीतरी दंगली घडवायचा विचार या लोकांचा आहे। म्हणून आम्ही आज यांच्याकडून एक मागणी करतो पोलीस प्रशासनाद्वारे की यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा आणि या कंपनीला बायकॉट करण्यात यावं। समोरचा पायन तरी सांगितलं आम्हाला आश्वासन दिलं आहे येत्या 7 दिवसात या पोर्टलवरून हे आपले झेंडे निघून जातील म्हणून। 7 दिवस त्यांचे, 8वा दिवस आमचा। सर काय नेमकी कारवाई केली जाणार आहे? तोडफोड केली या ठिकाणी अमेझॉनवर पाकिस्तानचा झेंडा विकला जातो, गंभीर बाब आहे। काय कायदेशीर बाजू दोन्ही पार्टींवर? त्यांनी एक निवेदन दिलं होतं की इथे जी अमेझॉनची फॅसिलिटी आहे, डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी, तिथून कोणी ऑनलाईन झेंडा मागितला होता आणि तो तिथून सप्लाय करण्यात आला। त्या संदर्भाने ते इथे निवेदन द्यायला आणि विरोध करायला आले होते, तर त्यांचं निवेदन आम्ही स्वीकारलं आहे। तर या संदर्भाने आम्ही आता ते निवेदन आम्ही पण घेतलं आणि अमेझॉनच्या लोकांशी पण आम्ही चर्चा केलेली आहे। तर यामध्ये जर कोणी सप्लाय करत असेल आणि त्याच्यात काय लिगल बाजू आहेत त्या सर्व तपासून आम्ही याच्यात इन्क्वायरी करणार आहोत। तोडफोड केली आहे सर, गुन्हे दाखल होणार आहे, काय होणार आहे, कशी प्रक्रिया असणार आहे? त्यांचे प्रतिनिधी आता येतील, त्याच्यामध्ये ते जसे आता वर्जन सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई होईल। त्याच्यामध्ये झेंडा विकणे हा गुन्हा वगैरे आहे का, काय तपासला जाणार आहे? आता तपासणार, लिगल बाजू आम्ही तपासणार। त्याच्यामध्ये त्यांनी जे निवेदन दिले त्याच्यामध्ये पण इन्क्वायरी होणार आहे आणि जे काही लिगल असेल योग्य ते आम्ही करू कारवाई। अमेझॉनवरून कारवाई होऊ शकते आता, तर मी कमेंट नाही करू शकत कारवाई होईल किंवा नाही होणार, पण जे काही निवेदन आहे त्यांची जी काही लीगल टीम आहे ते रिप्रेझेंट करणार, त्यांचे फॅक्ट्स काय आहेत त्यानुसार आम्ही डिसाईड करू त्याच्यामध्ये काय आहे। नागपूर पोलीस लीगल बाजू चेक करणार आहे का या पाकिस्तानी झेंडा विकता येते का नाही? आम्हाला निवेदन प्राप्त झालं आहे पोलिसांना, जे काही मनसेने की असा असा झेंडा विक्री चालू आहे, त्या निवेदनाची आम्ही चौकशी करू आणि त्याच्यामध्ये आम्ही लीगल बाजू तपासणार आहोत। मनसेच्या किती लोकांना ताब्यात घेतलेलं आहे? आता आम्ही 40 ते 50 लोकांना डिटेन केलं त्याच्यामध्ये. सर पोलिसांना माहिती होती का या संदर्भातली की अशा प्रकारे अमेझॉनवर पाकिस्तानचे झेंडे विकले जात आहेत, माहिती होती का आपल्याला? ॲक्च्युली यांना 18 तारखेलाच निवेदन दिलं होतं अमेझॉनच्या फॅसिलिटी, पण त्यांनी पोलिसांना कळवलं नाही की त्यांना असं निवेदन प्राप्त झालेलं आहे. पण आज आपल्याला माहिती होती की ते काही लोक येणार, तर आपले 18 वाजेपासून काही अंमलदार उभे होते, वेळेच्या अगोदर आली त्यामुळे. अमेझॉनच्या माध्यमातून पाकिस्तानचे झेंडे भारतामध्ये विकले जात आहे याची आम्हाला माहिती नव्हती त्याच्यामध्ये, आणि यांना 4 दिवसापूर्वी निवेदन दिलं होतं मनसेचे, पण त्यांनी काही पोलीस स्टेशनला कळवलं नाही आपल्याला.